लीबिया के यात्री विमान के हाईजैक होने की खबर आ रही है। इस विमान को माल्टा में उतारा गया है। अफ्रीकिया एयरवेज के A320 प्लेन ने लीबिया के अंदर ही उड़ान भरी थी। इसमें 118 लोग सवार है। बताया जा रहा है कि दो हाईजैकर्स प्लेन के अंदर घुसे और प्लेन को उड़ाने की धमकी दी। इनके पास हैंड ग्रेनेड होने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बल पर ही इन्होंने डरा धमका कर विमान को हाईजैक किया। यह विमान साभा से त्रिपोली की ओर जा रहा था, उसी समय उसमें दो लोगों ने बम होने का दावा कर विमान को हाईजैक कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने कुछ मांगे भी रखी हैं, लेकिन अभी उनको गुप्त रखा गया है। वहीं माल्टा में प्लेन के उतरने के बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ मस्कट ने ट्वीट किया कि लीबिया की फ्लाइट में हाईजैकर्स की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लेन डोमेस्टिक फ्लाइट के तौर पर अफ्रीकिया एयरवेज इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि हाईजैक की इस घटना को किसी स्थानीय गुट ने ही अंजाम दिया है, हालांकि सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया है। 118 यात्रियों वाले इस विमान को किसने हाईजैक किया और उनकी क्या शर्तें हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है। फिलहाल आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।